तो गाइस जो ढिकाला की नाइट स्टे है ना, तो वहाँ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। और वॉशरूम का जो एरिया है वहाँ देखना गाइस। अभी यहाँ पे ना बहुत सारे डियर्स हैं, वो देखो वॉशरूम के पास, वो वहाँ पे टॉयलेट है। और वहाँ देखिए दो डियर दिख रहे हैं। अरे हम यहाँ घूम रहे थे, स्पॉटेड डियर की कॉल हो गई कैंपस के अंतर्गत, तो भाई कंफर्म मोमेंट है टाइगर की। थोड़ा आगे है दादा, और थोड़ा। धीरेन्द्र भाई सबसे पहले आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? हम ये बागेश्वर के हैं, पिंडारी गलेश्वर। अरे वाह यार, पिंडारी से हो? हाँ जी। गजब। तो यहाँ कब से ड्यूटी कर रहे हो? हम 15 नवंबर से कर रहे हैं, नवंबर 15, 2022। तो तब से यही हो? तो हमारे साथ है अभी खत्री जी एंड अदर गाय फ्रॉम केरला। योर नेम? कृष्णा कुमार। कृष्णा कुमार जी, आई एम रिटायर्ड प्रोफेसर। ओह रिटायर्ड प्रोफेसर, नाइस। तो खत्री जी अभी नाइट का टाइम है, तो कैसा लग रहा है? अरे बहुत ही शानदार यहाँ पर नाइट में, और मौसम इतना शानदार है, और गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं फ्रेश हो चुका हूँ, और नहाने के लिए भी अच्छी व्यवस्था, गर्म पानी भी है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इंजॉय कर रहा हूँ। बाहर के लोग मिल रहे हैं, दोस्त मिल रहे हैं, तो इनसे भी सीखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। अब बाकी अभी हम डिनर करने जाएंगे, और उसके आसपास का जो नाइट लाइफ ढिकाला की गेस्ट हाउस की वो भी दिखाएंगे, वो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे काफी ज्यादा, तो अच्छा एंजॉय करने आता हूँ यहाँ पे। सही है, टाइगर मिले ना मिले, लेकिन दो तीन दिन बड़ी शांति मिलती है, और शानदार है अभी। थोड़ी देर में ऐसी नींद आती, पूछो मत, सुबह खुलती है, जो कि हमें घर में नहीं मिलती। Hey guys, welcome back to our YouTube channel Wildlife Bee Zone। मैं आपका फ्रेंड एंड होस्ट दीपांकर खुलवे स्वागत करता हूँ आप सभी का आप लोग के YouTube चैनल Wildlife Bee Zone से। तो गाइस अभी मेरे साथ है खत्री जी, और ये है ढिकाला की नाइट। तो हम बेसिकली अभी अपना डिनर वगैरह करने जा रहे हैं, और बाकी आपको भी लेके चलते हैं, कैसा है वो किचन वगैरह जो यहाँ पे नाइट होती है, कैसी है, वो सब कुछ दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी। बाकी चलिए अभी हमारे साथ। हाय, हमारे सिस्टर और जीजू तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो कैसे आप मतलब यहाँ पे आनंद ले रहे हैं नाइट लाइफ का? नाइट लाइफ बहुत अच्छी, अभी टाइगर के भी साइड मजा ही आया, अभी टाइगर की आंखें दिखी थी हमको यहाँ पर। मच्छर है काफी, बाकी वहाँ पे किचन है, और उसके पास ही यहाँ पे डेक वाला एरिया है। तो भाई और चाचा क्या हो रहा है हालचाल? जंगल के अंतर्गत आते हुए तो ये है कैंटीन। अरे कितना, चार थाली अंकल, चार कर दीजिए। नमस्कार, कैसे हैं आप? किसे बताओ रेट होगा ना, तो यहाँ पे चार का कर दीजिए। क्या रेट है वैसे? 450 रुपये। 450 हो गया भैया, डिनर कर दीजिए। चार प्लेट, चार डिनर ले लीजिएगा सर। ठीक है, ले लो फिर। तो यहाँ पे मतलब ना ऐसे बुफे है, बाकी देखिए मतलब पास्ता भी मिल जाएगा, दाल है, सब्जी है, और चावल है, और भिंडी की सब्जी है। तो भाई हमारा थाली ये है, इसमें दाल है और मशरूम है, पनीर है, पास्ता है, भिंडी है, सैलेड है, और साथ में चपाती है, फ्राइड राइस है, और पापड़ है। तो ये सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे ढिकाला में, और प्राइस है 450 रुपीज़ गाइस। और गाइस यहाँ पे जो टाइमिंग है वो है डिनर की 7 से 9 बजे तक। अगर आप 9 बजे के बाद पहुँच रहे हैं तो फिर खाने की उम्मीद छोड़ दीजिएगा, फिर तो शायद कुछ और ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे, फिर कोई उसके बाद ऑप्शन नहीं है। तो हमारा डिनर हो गया, काफ़ी अच्छा डिनर था भैया, थैंक यू खत्री जी। तो यहाँ पे नाइट वॉक हो रही है, मज़ा आ रहा है। तो खत्री जी का तो बहुत टाइम ये ट्रिप हो गई है, और बाकी गाइस ये जो आप देख रहे हैं ना पुल, यहाँ की खास बात क्या है बताए, आप यहाँ फोन रखेंगे तो हल्का फुल्का सिग्नल आता है, तो अभी मेरा जियो है तो जियो में तो सिग्नल नहीं आ रहा है। किसका आता है? एयरटेल और BSNL। जियो भी आता आने को, टाइम लगता है, जियो भी आता तो है। तो मतलब ये है ना, आपको यहाँ पे फ़ोन रख के छोड़ना पड़ेगा, तब जाके
थोड़ा बहुत यहाँ पे सिग्नल आएगा, मैं इस एरिया में सिर्फ आप यहीं पे बात कर सकते हैं। हाँ, या फिर वो सफारी के टाइम में फायर लाइन में एक जगह पे सिग्नल आता है, दो जगह बात कर सकते हैं। और बाकी यार अब यहाँ देखते हैं अगर नाइट लाइफ में हमें कुछ वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। और बाकी ये कैंपस का एरिया है और ये लॉग हट है यानी कि डॉर्मेट्री, यहाँ मूवी दिखाई जाती है और यहाँ पे मूवी दिखाई जाती है। तो आज तो हम आ नहीं पाए मूवी देखना है, तो कल कल देखेंगे क्या, कल देखते हैं अगर टाइम मिला। अपनी मूवी बन गई तो अलग बात है, अगर नहीं बनी तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो भाई नाइट एंजॉय करते हुए, ये देखो कितनी खुशी है भाई, ऐसा मन कर रहा है सो जाओ बाहर नाइट यार, बोल सो तो सकते हैं लेकिन मतलब मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा है। और भाई टाइगर अगर यहाँ से क्रॉस मार के आ गया ना, मतलब वायर फेंसिंग बहुत ही छुटी है, और आगे तो गेट के हिस्से से थोड़ा और नीचे देखेंगे ना, वहाँ तो बहुत ही, हाँ वही तो, टाइगर तो कितना भी जंप मार सकता है भाई अगर उसको आने होगा। देखो ना, मैं इसे कहती हूँ आगे को मत जा वहाँ पे टाइगर। तो बेसिकली अभी एक जगह लेके जाएंगे हम आपको, इतनी ज़्यादा अभी डियर्स होंगे ना, जैसे मेरा लास्ट का अनुभव रहा था तो जो लॉग हट है यानी कि डॉर्मेट्री का जो वॉशरूम है ना, उसके अंदर भाई हमने 20-30 डियर देखे थे वॉशरूम के अंतर्गत। तो भाई मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसा सीन भी देखने को मिल जाता है, ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिल जाती है। तो आज देखते हैं, ये अक्सर क्या होता है ना, टाइगर से बचने के चक्कर में ना डियर यहाँ लाइट वगैरह देखती है और लोगों को सूंघते हुए यहाँ की तरफ आ जाती है कि उसे जंगल में अगर मूवमेंट हो रही हो तो, या कभी मूवमेंट होती है टाइगर की यहाँ को, तो वो जस्ट ये वायर फेंसिंग है वो बहुत ईजीली यहाँ क्रॉस करके इस साइड आ जाते हैं। तो गाइस जो आप ये देख रहे हैं ना, ये ढिकाला का मेन गेट है और सारी सफारी गाड़ी यहीं पे खड़ी हुई है, और इसके आगे ना मतलब ये मान लो कि यहाँ से लगी हुई है टाइगर की टेरिटरी, गेट से बाहर जाते ही टाइगर है। तो यहाँ पे वायर फेंसिंग है तो यहाँ करंट दौड़ रहा है बहुत हाई हाई, मतलब कि एनिमल्स के लिए काफ़ी है उनको दूर करने के लिए। तो ये देखो बार बार इसमें लाइट जल रही है ना, तो ये इंडिकेशन है कि करंट चालू है। और ये वो गेट है और इसके आगे सफारी गाड़ी जाती है और इसके इस साइड पूरा कैंपस है। तो अभी हम आपको कैंपस में जो हलचल है, जो एनिमल की कॉलिंग है, जो यहाँ की नाइट है वो दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आप लोग बने रहेगा। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके ना ये कैंपस का एरिया है, तो ओ भाई कॉल हो गई, कॉल, अरे कॉल स्टार्ट हो गई भाई। हम यहाँ घूम रहे थे, स्पॉटेड डियर की कॉल हो गई कैंपस के अंतर्गत, मतलब कैंपस के अंदर सुनाई दे रही है। भाई कंटिन्यू कॉल है, मतलब उसकी मूवमेंट है। तो ये हलचल है कैंपस के अंतर्गत। तो भाई कंफर्म मोमेंट है टाइगर की, थोड़ा आगे है दादा, और थोड़ा तो भाई बात ही कर रहा था कि मतलब कैंपस के अंतर्गत कॉल सुनाई दे रही है, भाई मज़ा ही आ गया, मतलब
टाइगर तो पास में ही था, प्रेजेंस थी लेकिन हाँ देखना तो नॉट पॉसिबल, लेकिन हमारे आसपास ही था। तो गाइस जो ठिकाना की नाइट स्टे है ना, तो वहाँ मैं आपको लेके चल रहा हूँ, और वॉशरूम का जो एरिया है वहाँ देखना गाइस। अभी यहाँ पे ना बहुत सारे डियर्स हैं, वो देखो वॉशरूम के पास, वो वहाँ पे टॉयलेट है, और वहाँ देखिए दो डियर दिख रहे हैं, और मतलब वैसे बहुत ज़्यादा है। तो हम धीरे धीरे, ये यहाँ की नाइट लाइफ है, वहाँ एक यहाँ पे भी है, बहुत सारे हैं, देखो भाग रहे भाग, ये भाग रहे। और भाई मुझे वॉशरूम जाना है, तो इसमें भी समझ रहे हो, तो ये है लॉग हट। तो लॉग हट का वॉशरूम ये है, और वॉशरूम जाते टाइम हमने देखे डियर्स और बहुत सारे दवाए। तो डियर ओ भाई अबे हिम्मत नहीं हो रही अकेले। तो गाइस अभी अपने साथ है धीरेंद्र भाई। धीरेंद्र भाई सबसे पहले आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? हम ये बागेश्वर के हैं, पिंडारी गलेश्वर। अरे वाह यार, पिंडारी से हो? हाँ जी। गजब। तो यहाँ कब से ड्यूटी कर रहे हो? हम 15 नवंबर से कर रहे हैं, नवंबर 15, 2022। तो तब से यहीं हो? हाँ, एक बार गया था छोटी होली पे। अच्छा, छोटी होली में एक बार गए थे बस। हाँ। बाहर, और तब से यहीं हो? तो यहाँ संपर्क हो पाता है बाहर? बड़ी मुश्किल से, कभी कभी आ गए, अभी 4-5 दिन से BSNL के टावर है नहीं यहाँ। अच्छा, और अगर बात करें तो BSNL बस पकड़ते हैं, और जहाँ पे मैंने दिखाया था वो लकड़ी के ऊपर शायद जियो और एयरटेल के थोड़े से सिग्नल आते हैं। कभी कभी बड़ी मुश्किल से आते हैं वो भी, खाली मतलब मैसेज पहुंच जाए तो काफी बड़ी बात है। हाँ। आप बात नहीं कर सकते, और यहाँ आप 6 महीने से रह रहे हो यार। हाँ। और बाकी यार यहाँ कैंपस में कभी ऐसा हुआ है कि मतलब टाइगर वगैरह का प्रवेश या लेपर्ड वगैरह? नहीं, अंदर तो नहीं, अंदर कभी आते नहीं क्योंकि यहाँ। और बाकी कुछ डियर वगैरह तो रहते ही, खैर उनसे कोई खतरा भी नहीं है? आ जाते हैं डियर वगैरह अंदर ही। हाँ। नहीं, अंदर आ जाते हैं। तो जैसे हमने कॉल सुनी थी वो तो रेगुलर रहती होगी कि टाइगर आने की अलर्ट कॉल? हाँ, वो तो दूर होता है आसपास। हाँ, रिवर आसपास क्रॉस करते हुए। हाँ। तो यार बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम भी यहाँ। तुम कौन से डिपार्टमेंट में हो? शेफ है हम। अरे शेफ हो, क्या बात है। खाना बहुत अच्छा बनाया था आपने, थैंक यू। और गाइस जो ये आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एलिफेंट माउंट का एरिया है। तो पहले जो ढिकाला में एलिफेंट सफारी होती थी, तो ऐसे माउंट में चढ़ के टूरिस्ट को ऊपर से सीधे डायरेक्ट हाथी में बैठाया जाता था, और उसके बाद सफारी में ले जाया जाता था, जो कि अब पूरी तरीके से कई सालों से बैन है। और अच्छा है कि बैन हो गई, उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा ना एनिमल या हाथी के लिए यार बेचारे को कष्ट देना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो अब हम एक दूसरी जगह पे जा रहे हैं जो कि यहाँ का डैक वाला एरिया है, तो वहाँ देखते हैं, क्योंकि डैक के डैम में बहुत ज़्यादा एलिफेंट थे वहाँ, तो एनिमल्स की कुछ कॉलिंग, वो भाई हाथी की आवाज़ आई है। भाई हाथी की आवाज आई गाइस, और हाथी की पूरा चिंगाड़ने की आवाज है, मतलब उसके सामने या तो टाइगर हो सकता है या फिर आपसी उनकी फाइट। हाँ यार, हाथी की आवाज आ रही क्या? सांबर की भी कॉल है यही नीचे, तो भाई वहीं पे, तो वहाँ पे हो सकता है कि टाइगर है, क्योंकि सांबर की भी। तो भाई अभी हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम की तरफ,
ओ भाई ये डियर यहीं बैठे हैं। डियर बैठे हुए हैं, क्या क्या चमकते दिख रही होंगे आपको। ये देखो डियर, ये शाम को अंदर आ जाते हैं प्रेडेटर से बचने के लिए। और तो प्रेडेटर भी आ सकता है वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे तारबाड़ी नहीं है शायद। और ये तो कम है, इससे कहीं ज़्यादा नंबर्स में डियर्स हैं हमको दिखते हैं। तो देखा मतलब कैंपस के अंदर ही मतलब डियर्स देखे जा रहे हैं। और ये जस्ट लॉगहट है और इसके साथ ही अभी लाइट है, तो लाइट में ही हमें डियर दिख गए थे। ज़्यादा आगे तो भाई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि तार बाड़ कहीं ओपन हो गए तो बाकी प्रेडेटर भी आ सकते हैं। जब डियर आ सकते हैं तो भाई कुछ भी आ सकता है, तो ऐसी बात है। बाकी अगर आप थोड़ा आइट साइड से जाएं, टॉर्च लेके चलें कैंपस के अंतर्गत, वॉशरूम जाना है टॉयलेट के अंदर, टॉर्च लेके जाएं। अगर वैसे जाएंगे तो भाई खतरा तो है ही। देखो तो वही चीज़ है यार, ये चीज़ें एक्साइटेड तो करती है, थ्रिल तो लेके आती है साथ में। मतलब थोड़ा ना सावधानी प्रिकॉशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खतरा सिर्फ मतलब प्रेडेटर यानी कि टाइगर का नहीं होता है, तो जंगल के अंतर्गत बाकी चीज़ें भी हैं, जिसके अंतर्गत बिच्छू है, सांप है, जो कि मतलब काफ़ी जहरीले भी होते हैं, और ये सब चीज़ों से खतरा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टॉर्च लेके जाएं। और जैसे ये घास वाला एरिया है ना, तो यहाँ जाना थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि जंगल से लगा हुआ FRH है, जंगल ही मान लो, जंगल के अंदर ही है, तो कई चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। और गाइस बाकी सब कुछ बढ़िया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। FRH में आप आके स्टे कर सकते हैं, तो आपके पास जो रूम की फैसिलिटी है वो मिल जाएगी, डॉर्मेट्री मिल जाता है, तो रूम की फैसिलिटी आपको थोड़ा सा तत्काल के रूप में मतलब थोड़ा जल्दी फील होता है। तो मतलब अगर आप चाह रहे हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा जैसे तत्काल इमरजेंसी बुक होता है ना, तो वैसे ही वाला सीन है। तो कई बार मतलब एजेंट हायर करने पड़ते हैं, जो कि इसके लिए एडिशनल पैसे भी लेते हैं बुकिंग के लिए। और देखिए बेसिक सर्विस यहाँ पे मिल जाएगी, रूम फैसिलिटी, खाना वगैरह सब कुछ बढ़िया है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए मतलब यहाँ पे नॉट पॉसिबल, क्योंकि जंगल है, नाइट का टाइम है, और ऑन द वे ना सब जगह पे अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये फॉरेस्ट मतलब 30 किलोमीटर हम मेन रोड से अंदर आए हैं, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट है एलिफेंट वगैरह की, तो जाना संभव नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में शायद कुछ कह नहीं सकते। बाकी जैसे मूलभूत सुविधाएं अगर हम बोले कि जैसे डिनर वगैरह है या लंच है, तो उसके लिए मतलब ऑप्शन यही है कि आपको बुफे करना है, बुफे लंच और डिनर, जिसका चार्जेस आज के डेट में 450 रुपीज़ है। आप अगर थोड़ा खाओ या ज़्यादा खाओ वो मैटर नहीं करता, 450 रुपीज़ यू हैव टू पे। तो खाना टेस्टी है और कई चीज़ें वेराइटीज़ हैं, तो बाकी डिपेंड करता है ऑन पॉकेट, क्योंकि सबकी पॉकेट 450 अलाउ नहीं करती है। तो मतलब आप अपना बजट इसके अकॉर्डिंग ये प्लस ऑन रखें, और बाकी अगर साइड से आपको स्नैक्स वगैरह लेना है तो मतलब वहाँ पे चाय, मैगी, बेसिक ब्रेड ऑमलेट और सैंडविच आपको मिल जाएगी, जो कि अर्ली मॉर्निंग से लेट मतलब 8 बजे तक की टाइमिंग होती है, तब तक आपको मिल जाएगा। और बाकी सब सही है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जो ज़रूरत है यहाँ पे, जैसे लोहगढ़ वाला एरिया है, जो मतलब कॉमन लोग यहाँ पे कैंटर सफारी से आते हैं डे के टाइम में, तो वॉशरूम मुझे लगा कि काफ़ी सही होने की ज़रूरत है, क्लीनअप होना ज़रूरी है, पानी वगैरह रेगुलर चेक हो, है ना। तो जो मतलब अगर हम गेस्ट से इतना चार्ज कर रहे हैं तो वी हैव टू डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली, मतलब अगर आप इतना ज़्यादा चार्ज करें तो आपको वैसी मूलभूत सुविधाएँ देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी गेस्ट आपके पास रिपीट होगा। तो गाइस तो नाइट का ब्लॉग हम करते हैं समाप्त, और अभी मेरी जो यहाँ गार्ड्स हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, उनसे बातचीत हुई। हालांकि मैं कैमरे के ऑन कैमरा तो नहीं लेके आया, क्योंकि अलाउड भी नहीं होता है, सही भी है। बाकी एक वाक्या जो मुझे पता चला, 2005 में
टाइगर अंदर आ गया था और उसके बाद जो कैंटीन के एम्प्लॉय थे उन पर अटैक किया। हालांकि वो बच गए थे। उसके अलावा मतलब यहाँ कैंपस के आसपास ही जो वॉचर हैं उनमें भी अटैक हुए हैं, और रिसेंटली एक टाइगर का बच्चा भी अंदर आ गया था कैंपस से। तो लेकिन वो जो डेक हमने दिखाया था वहाँ चले गया था। तो हालांकि यार मतलब टाइगर के लिए पार करना इजी नहीं है, लेकिन एक टाइगर के अंदर भी एक डर है क्योंकि कई बार वो भी करंट के संपर्क में आ जाता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, FRH सेफ है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ना मैं आपको लोगों को डरा रहा हूँ। खाली डियर वगैरह जैकॉल वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो जो अपने आप में काफ़ी अच्छा भी है जो एडवेंचर पसंद करते हैं, और जिनको थोड़ा सा है किसी वर्कर का कि यार भय है तो यार मतलब रात को ऐसे ना घूमें। तो बस आज के इस ब्लॉग को करते हैं हम क्लोज और मिलते हैं गाइज दोबारा। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल।